हेलो व्यूज, वेलकम टू दिस सेशन। माई सेल्फ हरिकेश कुमार। आज के व्याख्यान का विषय है जैविक एवं सामाजिक अप्रेरक। अप्रेरणा एक ऐसा बल है जिसमें दिशा होती है, संगतता होती है और जिससे व्यक्ति का व्यवहार किसी लक्ष्य की दिशा में निर्देशित होता है। अप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की इच्छाओं, आवश्यकताओं और आवेगों की पूर्ति करना है। जब व्यक्ति में कोई इच्छा या आवश्यकता उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए प्रेरित होता है। यदि व्यक्ति में कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं होगी तो व्यक्ति में ना तो अप्रेरणा होगी और ना ही व्यक्ति के द्वारा कोई व्यवहार किया जाएगा। मनुष्य एक जानवर होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी है और जिसका मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होने के कारण जिसकी अनंत इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं भी हैं। इस प्रकार मनुष्य दूसरे जानवरों के समान जीवित रहने के लिए भूख, प्यास, सेक्स, दर्द से बचने, निद्रा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही साथ सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में रहने के कारण उसमें सामाजिक आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं जिसके कारण उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास भी होता है। इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मानव मस्तिष्क का विकास समस्त प्राणियों में सर्वाधिक हुआ है जिसके कारण उसमें अनंत इच्छाएं आए हैं जिसके कारण व्यक्ति में बहुत से व्यक्तिगत अप्रेरकों की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अप्रेरकों के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक जैविक अप्रेरक, नंबर दो सामाजिक अप्रेरक, नंबर तीन व्यक्तिगत अप्रेरक। जैविक अप्रेरकों को प्राथमिक अप्रेरक भी कहते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अस्तित्व के लिए इन अप्रेरकों की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि जैविक अप्रेरकों को प्राथमिक अप्रेरक भी कहा जाता है। जैविक अप्रेरकों की पूर्ति करना किसी भी व्यक्ति और प्रजाति के लिए इसलिए आवश्यक होता है कि इससे व्यक्ति एवं प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रमुख जैविक अप्रेरकों में भूख, प्यास, निद्रा, दर्द से बचाव, थकान से बचाव, मातृत्व जैसे अप्रेरक आते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं। नंबर वन, भूख। व्यक्ति को भोजन से ऊर्जा मिलती है। जब लंबे समय तक व्यक्ति भोजन नहीं करता है तो इससे व्यक्ति के शरीर में या यूं कहें कि व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है जिसकी सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हाइपोथैलेमस के पश्च भाग को मिलती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति भोजन करने के लिए प्रेरित होता है। इसके अतिरिक्त भोजन के शास्त्रीय सिद्धांत भी हैं जिनकी मान्यता थी कि आमाशय की मांसपेशियों में आकुंचन के कारण भूख की अनुभूति होती है। कुछ विद्वानों का मत था कि आहार नलिका के माध्यम से भोजन भूख की आवश्यकता की महसूस होती है।
किंतु वर्तमान में इन सिद्धांतों की मान्यता नहीं है। वर्तमान में भूख के ग्लूकोज सिद्धांत को ही मान्यता है, जिसके अनुसार रक्त में ग्लूकोज की कमी होने से उसकी सूचना लैटरल हाइपोथैलेमस में पहुंचती है और व्यक्ति के द्वारा भूख तृप्ति का यत्न किया जाता है। नंबर 2, प्यास। व्यक्ति के जीवन के लिए प्यास की आवश्यकता की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। प्यास की आवश्यकता की व्याख्या करने के लिए एपस्टीन और उनके सहयोगियों के द्वारा सन 1973 में डिप्लेशन थ्योरी ऑफ थर्स्ट दी गई, जिसके अनुसार जब व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसके कारण व्यक्ति की कोशिकाओं के आंतरिक भाग से पानी अलग हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और इसकी सूचना हाइपोथैलेमस के अग्रभाग में स्थित ऑस्मोरिसेप्टर्स को मिलती है और हाइपोथैलेमस के द्वारा प्यास लगने का सिग्नल भेजा जाता है। डबल डिप्लेशन थ्योरी के दूसरी मान्यता है कि व्यक्ति के रक्त में रक्त का आयतन कम हो जाने के कारण व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या यूं कहें कि पानी की कमी के कारण ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसे हाइपोवॉल्मिया की कंडीशन कहा जाता है और जिसके कारण व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी गिर जाता है, जिसकी सूचना किडनी के द्वारा रेनिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है और उसे व्यक्ति के शरीर में एंजियोटेंसिन नामक पदार्थ बनता है और उसके माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एंटी डायुरेटिक हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। इस प्रकार डबल डिप्लेशन थ्योरी के द्वारा प्यास की व्याख्या की गई है। इसके साथ ही साथ भूख और प्यास की आवश्यकता की पूर्ति करना कई सामाजिक कारकों, सामाजिक मान्यताओं, व्यक्ति की संस्कृति आदि पर भी निर्भर करता है। नंबर 3, श्वसन की आवश्यकता। व्यक्ति को श्वास लेने की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। यदि व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई महसूस होती है तो वो इस स्थिति को दूर करने के लिए उसका व्यवहार प्रेरित होता है, वह खिड़कियां खोलता है, पंखे ऑन कर देता है या इस प्रकार की दूसरी क्रियाएं करके श्वास लेने की क्रिया को नियमित करने का प्रयास करता है। नंबर 4, शारीरिक तापमान नियंत्रण की आवश्यकता। मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है।
यदि व्यक्ति के शरीर का तापमान इससे अधिक या कम हो जाता है तो व्यक्ति उसे नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक अत्यंत आवश्यकता है। यदि व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है तो व्यक्ति में पसीने आने लगते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके विपरीत व्यक्ति के शरीर का तापमान कम होने पर व्यक्ति के शरीर में कंपन होने लगता है और व्यक्ति शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। नंबर 4, निद्रा। व्यक्ति के अस्तित्व के लिए निद्रा की पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। निद्रा के माध्यम से ही व्यक्ति का शरीर पुनः रिसेट होता है, उसकी थकान दूर होती है। बहुत सारी संज्ञानात्मक क्रियाएं भी नींद की अवस्था में होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति के अस्तित्व के लिए निद्रा की पूर्ति करना भी अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6, दर्द से बचने की आवश्यकता। प्रत्येक प्राणी में दर्द से बचने की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति को दर्द होता है तो उसे कम करने के लिए व्यक्ति का व्यवहार प्रेरित होता है और वह उसे बचने का प्रयास करता है। नंबर 7, मल मूत्र त्याग की आवश्यकता। किसी भी प्राणी का शरीर इस प्रकार से बना होता है कि उसमें आवश्यकता से अधिक किसी भी कोई भी पदार्थ इकट्ठा नहीं होता है। जैसे ही व्यक्ति में कोई भी अनावश्यक पदार्थ एकत्रित होता है, शरीर उसे बाहर कर देता है। मनुष्य में मल मूत्र त्याग की आवश्यकता एक प्रमुख जैविक अप्रेरक है, जिससे व्यक्ति तुरंत ही सामाजिक मानकों के अनुसार त्याग करने के लिए प्रेरित होता है। नंबर 8, सेक्स। सेक्स की आवश्यकता की पूर्ति करना भी एक प्रमुख जैविक अप्रेरक है। सेक्स की आवश्यकता व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, किंतु प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सेक्स की आवश्यकता एंड्रोजेंस और एस्ट्रोजन हार्मोन्स के सेक्रेशन के अनुसार नियंत्रित होती है। इसके साथ ही साथ कई सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी नियमों से भी व्यक्ति का सेक्स व्यवहार नियंत्रित होता है और जिनका पालन मनुष्य को करना होता है। मातृत्व की आवश्यकता। प्रत्येक महिला में मातृत्व की आवश्यकता अत्यंत तीव्र होती है। यह एक तीव्र अप्रेरक होता है। प्रत्येक सामान्य महिला में मातृत्व सुख की अनुभूति करना अत्यंत प्रेरित करने वाला व्यवहार होता है, जिसे प्रेरित होकर के महिलाएं बच्चों की उत्पत्ति करना, बच्चों का पालन पोषण करना आदि क्रियाएं करती हैं। किसी कारणवश जिन महिलाओं में मातृत्व सुख की पूर्ति करना संभव नहीं होता है तो वह दूसरे माध्यमों से स्कूल खोलकर, बच्चों को एजुकेशन देकर या अनाथ बच्चों की देखरेख करके मातृत्व आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। इस प्रकार मातृत्व अप्रेरक एक तगड़ा अप्रेरक है। नंबर 2, सामाजिक अप्रेरक। सामाजिक अप्रेरकों को सेकेंडरी मोटिव्स भी कहा जाता है।
इन्हें द्वितीय का प्रेरक इसलिए कहा जाता है कि ये व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्ति इन्हें समाज में रह करके सीखता है। यही कारण है कि इन्हें द्वितीय का प्रेरक कहा जाता है। नंबर एक, उपलब्धि की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति में उपलब्धि का अलग अलग स्तर होता है। यही कारण है कि जिन व्यक्तियों में उपलब्धि का प्रेरक अधिक होता है, ऐसे लोग चुनौतीपूर्ण कार्य को करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए तत्पर होते हैं, और ऐसे लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्यों का फीडबैक लेना उचित समझते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जिनमें उपलब्ध प्रेरक कम होता है, ऐसे लोग औफत या सरल कार्यों को करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपनी असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और प्रायः अपने द्वारा किए गए कार्यों की असफलता और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नंबर टू, आक्रामकता का अपव्यय। व्यक्ति की इच्छाएं जब बाधित हो जाती हैं तो इससे व्यक्ति में कुंठा की उत्पत्ति होती है, और कुंठा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में आक्रामकता की उत्पत्ति होती है। सामाजिक अस्तित्व के लिए कई बार आक्रामकता व्यक्त करना आवश्यक होता है, जिसे व्यक्ति समाज में रह सीखता है, और कई बार समाज के द्वारा आक्रामक व्यवहार को प्रोत्साहित भी किया जाता है। यही कारण है कि आक्रामकता अप्रेरक भी एक प्रमुख सामाजिक अप्रेरक है। नंबर तीन, शक्ति अप्रेरक। प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यह किसी में ज़्यादा किसी में कम होती है। जिन व्यक्तियों में शक्ति अप्रेरक अधिक होता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित करने का प्रयास करते हैं, और उनका प्रत्येक व्यवहार शक्ति अर्जन के लिए प्रेरित होता है। नंबर चार, संग्रहण की आवश्यकता या संग्रहणशीलता। प्रत्येक व्यक्ति में चीज़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। जिन व्यक्तियों में संग्रहणशीलता का प्रेरक अधिक होता है, वह बहुत सी भौतिक चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे लोगों के द्वारा भौतिक सुख साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग किया जाता है। नंबर फाइव, जिज्ञासा प्रेरणा। प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा का स्तर अलग अलग होता है। जिन व्यक्तियों में जिज्ञासा की अप्रेरणा अधिक होती है, ऐसे लोगों के द्वारा देश, दुनिया, समाज के बारे में जानने की तीव्र उत्कंठा होती है। ऐसे लोगों के द्वारा सृजनशील व्यवहार भी किया जाता है। ऐसे लोग समाज के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। नंबर सिक्स, सामुदायिकता का अप्रेरक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किंतु सभी प्राणियों में सामुदायिकता का स्तर अलग अलग होता है। जिन व्यक्तियों में सामुदायिकता का स्तर तीव्र होता है, ऐसे लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक गतिविधियों में भाग लिया जाता है और समाज के लिए कार्य किया जाता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति में कुछ व्यक्तिगत अप्रेरक भी होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि व्यक्ति का मन मस्तिष्क सभी प्राणियों में सर्वाधिक विकसित है। मानव मस्तिष्क के सर्वाधिक विकसित होने के कारण व्यक्ति में इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं अनंत होती हैं। यही कारण है कि कई बार व्यक्ति अपने जैविक और सामाजिक आवश्यकताओं के ऊपर आवश्यकताओं को भी दूर रखते हुए व्यक्तिगत अप्रेरकों को महत्व देता है, जैसे आदतें,
आते एक व्यक्तिगत प्रेरक हैं। ये दोनों, ये जैविक एवं सामाजिक दोनों अप्रेरकों से संबंधित हो सकती हैं। आदतें प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती हैं। नंबर टू, जीवन लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग जीवन लक्ष्य होते हैं, इस प्रकार जीवन लक्ष्य भी एक व्यक्तिगत अप्रेरक है। नंबर तीन, महत्वाकांक्षा का स्तर। प्रत्येक व्यक्ति में महत्वाकांक्षा का स्तर अधिक 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 अलग अलग होता है। महत्वाकांक्षा के स्तर से ही यह निर्धारित होता है कि शासन कौन करेगा, सत्ता का उपभोग कौन करेगा। जिन व्यक्तियों में महत्वाकांक्षा का स्तर अधिक होता है, वह ज़्यादा ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन में संघर्ष के माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षा को फुलफिल करने का पूरा प्रयास करते हैं। मनोवृत्ति और रुचियाँ। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति में की मनोवृत्ति और रुचियाँ अलग अलग होती हैं, ये भी एक प्रकार की व्यक्तिगत अप्रेरक है। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जैविक, सामाजिक और व्यक्तिगत अप्रेरक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या एक सामाजिक जानवर है, जिसमें जानवरों की आवश्यक के द्वारा पूर्ति की जाने वाली आवश्यकताओं के साथ ही साथ सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके साथ ही साथ मानव मस्तिष्क के अत्यधिक विकसित होने के कारण उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए भी मनुष्य का व्यवहार प्रेरित होता है। जैसा कि हम मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति की भावनाओं का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति के विचारों का अध्ययन करते हैं और व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, तो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए व्यक्ति में जैविक, सामाजिक और व्यक्तिगत अप्रेरक होते हैं। धन्यवाद।